आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बैंक ब्रांच को ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, अपने अकाउंट को आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट भी उसी शहर में शिफ्ट हो जाए, तो आप ये ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन ब्रांच ट्रांसफर कैसे करते हैं ये दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी ब्रांच चेंज करने के लिए आप टाइप करेंगे onlinesbi.com। लॉगिन पर क्लिक करके आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई सर्विसेज का। ई सर्विसेज में आपको ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो आप चूज करेंगे कि किस अकाउंट की ब्रांच को आप चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांच कोड डालना होगा जहां पर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। ब्रांच कोड आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, जैसे कि आप नाम डालेंगे उस ब्रांच का। जैसे ही आप नाम डालेंगे तो आपके सामने ब्रांच का कोड आ जाएगा, जैसे कि हमारे केस में है 000727। इसके बाद गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे तो ब्रांच का नेम आ जाएगा। इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, किस ब्रांच से आप चेंज कर रहे हैं और किस ब्रांच में आपका अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद कंफर्म करेंगे। आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे। ओटीपी डालकर कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। इसमें 12 घंटे तक का टाइम लगता है। 12 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट नई ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और नई ब्रांच का जो IFSC कोड रहेगा उसको आप यूज कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी ब्रांच चेंज करने के लिए आप टाइप करेंगे bobibanking.com। रिटेल यूजर पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अपना यूजर आईडी डालकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग में आप सर्विसेज में जाएंगे और इसमें सर्विस रिक्वेस्ट में न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अदर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट ट्रांसफर का। आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट नंबर आप यहां से चूज कर लेंगे। इसके बाद आप लुकअप पर क्लिक करेंगे। जिस ब्रांच में भी आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, या तो आप उसका कोड डालेंगे या डिस्क्रिप्शन डालेंगे, या फिर आप सीधे यहां पर सिटी टाइप कर देंगे। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ब्रांच आ जाएगी। आप सिलेक्ट पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आप कोई रीजन डाल सकते हैं, आप इसको क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। ब्रांच ट्रांसफर के साथ साथ ही अगर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिटेल्स चेंज करनी है तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स चेंज करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप पूरा एड्रेस डालेंगे। और अगर आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल्स भी चेंज करनी है तो आप इस पर टिक करके पूरा एड्रेस यहां पर डालेंगे। लेकिन हमें एड्रेस चेंज नहीं करना है, सिर्फ ब्रांच चेंज करनी है, तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपके सामने एक समरी आ जाएगी, ये आपकी ओल्ड ब्रांच है और ये आपकी न्यू ब्रांच है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है और सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। और यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दे दिया गया है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। ICICI बैंक में ब्रांच चेंज करने के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। अकाउंट सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफर योर अकाउंट्स का। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ब्रांच का नेम और एड्रेस आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जहां पर भी ट्रांसफर करना चाहते हैं स्टेट का नाम चूज करेंगे। यहां पर आप सिटी डालेंगे, किस सिटी में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके बाद आप ब्रांच चूज कर लेंगे, उस सिटी की किस ब्रांच में आप अपने अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी आ गई है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, आप सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। सभी बैंकों में अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने की ऑनलाइन सुविधा नहीं है, इसलिए अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है जिसमें ऑनलाइन ये सुविधा नहीं है, तो आपको ऑफलाइन में फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा, तभी आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।